टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस चौराहा, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ सिया। 4,500 करोड़ रुपए का बाइक बोर्ड घोटाला एक बार फिर से सुर्खी में आ गया है। सुर्खी का कारण बनी है वह घटना जिसमें बाइक बोर्ड बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स में से एक को बीती रात चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया गया। इस घटना के बाद उन चार लोगों में दहशत है जो पिछले 3.5 साल से अपने पैसे की आस लिए धरने पर बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास का ये दूसरा सबसे लंबी अवधि वाला घटना है। पहले नंबर पर लंबी अवधि से धरनारत होने के मामले में मुजफ्फरनगर के विजय मास्टर जी पहले पायदान पर हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के दौरान माना जा रहा है कि प्रकाश में आया यह सबसे बड़ा घोटाला है। बावजूद इसके 5 लाख के इनामी व रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बावजूद बाइक बोर्ड घोटाले के सूत्रधार कहे जाने वाले विजेंद्र हुड्डा को अग्रिम जमानत मिल गई है। 16 जनवरी 2023 तक गंभीर सवाल बनता है, आखिर कैसे? आपको याद होगा कि करीब 4 साल पहले गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर कंपनी ने बाइक बोट नाम से बेहद लुभावनी स्कीम लॉन्च की थी। इसमें निवेशक को करीब 61,000 रुपये कंपनी को देने थे, जिसके एवज में कंपनी ओला व उबेर की तर्ज पर बाइक सड़क पर उतारती। बदले में हर माह करीब 10,000 रुपये निवेशकों को मिलने थे। बाइक बोट की लॉन्चिंग में 2 IPS अफसरों की भूमिका संदिग्ध भी रही। माना जाता है कि इन लोगों द्वारा लॉन्चिंग किए जाने से लोगों का बाइक बोट के प्रति विश्वास बढ़ा और उन्होंने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई इन जालसाजों को सौंप दी। बाइक बोट घोटाले को फर्स्ट बाइट उस समय से लगातार उठाता आ रहा है जब मीडिया ने इस तरफ से आंख मूंद ली थी। इस महाघोटाले में अब तक मास्टरमाइंड संजय भाटी समेत 26 लोग जेल में हैं, जबकि संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल, भूदेव व विजेंद्र हुड्डा पुलिस पकड़ से बाहर चले आ रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए विजेंद्र हुड्डा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। साथ ही इन तीनों पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। बावजूद इसके पिछले दिनों विजेंद्र हुड्डा को 16 जनवरी तक अग्रिम जमानत मिल गई है। इस मामले में अब तक 118 मुकदमे दर्ज हैं। इस बीच इस ठगी का शिकार हुए मुन्ना बालिया, अरुण पालीवाल, अजेंद्र कुमार, संदीप शर्मा, गौतम बुद्ध नगर कोटगांव स्थित बाईपोर्ट कार्यालय में इस आज से धरनारत है कि उन्हें कभी तो न्याय मिलेगा। उन्हें बराबर धमकियां भी मिल रही हैं। बीती रात जिस गार्ड को चाकू मारकर लहूलुहान किया गया उसका नाम लोकेश कुमार है। इस बिल्डिंग में 8 गार्ड हैं। ये गार्ड भी इस आस में वहां ड्यूटी निभा रहे हैं कि कभी तो उन्हें भी वेतन मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।